दोस्तों इन कुछ महीनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए, तो अगर आप 35,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो आप 35,000 रुपए के बजट के अंदर अगस्त 2021 में खरीद सकते हैं। तो सारे स्मार्टफोन्स और उनके फीचर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए। साथ में इनमें से कुछ स्मार्टफोन्स के फीचर्स में 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 67 वाट फास्ट चार्जिंग एंड साथ में अच्छे लुक्स एंड डिजाइन भी देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोस के लिए। सो वीडियो को शुरू करते दोस्तों 5 नंबर पर है पोको F3 GT, जो 24 जुलाई 2021 को इंडिया में लॉन्च हुआ था। और यह स्मार्टफोन एक और अच्छा ऑप्शन है 30,000 रुपए के बजट के अंदर, जिसमें RGB लाइटिंग के साथ मैग्नेट प्रीकास्ट भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें इसके बाकी फीचर्स की, तो इसमें डिस्प्ले दिया गया 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। एंड साथ में स्मार्टफोन ने आपको IP53 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी स्मार्टफोन ने आपको 3 वेरियंट्स मिल जाते हैं, 6GB+128GB, 8GB+128GB एंड 8GB+256GB, लेकिन इसमें भी आपको एक्सटर्नल मेमोरी का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इसमें रैम टाइप है LPDDR4X एंड स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। अब प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी MediaTek का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में MIUI 12.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11। कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का दिया गया है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, साथ में 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो लेंस डुअल LED फ्लैश के साथ में। और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर एंड फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps पर। साथ में इसमें 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको बैटरी मिलती है 5065 mAh की एंड साथ में 67 वाट पावरफुल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। बाकी स्मार्टफोन ने आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन स्मार्टफोन में भी 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको डुअल नैनो सिम, 5G वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों इसका 6GB+128GB वेरिएंट का प्राइस है 26,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट का प्राइस है 28,999 रुपये एंड 8GB+256GB वेरिएंट का प्राइस है 30,999 रुपये। और दोस्तों टेक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर है OnePlus Note 2, जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2021 को। और यह स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है 30,000 रुपए के बजट के अंदर। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए OnePlus का एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें डिस्प्ले दिया गया है 6.43 इंच का फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और दोस्तों स्मार्टफोन में 2 वेरियंट्स अवेलेबल है, जिसमें से एक है 8GB+128GB एंड दूसरा है 12GB+256GB, लेकिन इसमें एक्सटर्नल मेमोरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इसमें रैम टाइप है LPDDR4X एंड स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें MediaTek का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर दिया गया है। और ये पहली बार MediaTek का कोई प्रोसेसर OnePlus के फोन में यूज किया गया है। एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है OxygenOS 11.3 बेस्ड ऑन Android version 11। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है डुअल LED फ्लैश के साथ, जिसमें 50MP का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, साथ में 8MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का मिलता है मैक्रो लेंस। और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर एंड फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps पर। साथ में आपको 32MP का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है एंड साथ में आपको पावरफुल 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। और स्मार्टफोन में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है। इसके बाद नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल नैनो सिम, 5G वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों इसका 8GB+128GB वेरिएंट का प्राइस है 29,999 रुपये एंड 12GB+256GB वेरिएंट का प्राइस है 34,999 रुपये। और दोस्तों लेटेस्ट ऑनलाइन डील्स, ऑफर्स एंड टेक रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। दोस्तों 3 नंबर पर है वीवो X60, जो 2 अप्रैल 2021 को इंडिया में लॉन्च हुआ था। और यह स्मार्टफोन वीवो की तरफ से इस बजट के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर एंड साथ में स्लिम डिजाइन भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके बाकी फीचर्स की, तो इसमें डिस्प्ले दिया गया 6.56 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 5 वोल्ट डिस्प्ले,
और साथ में इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट के साथ HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड स्मार्टफोन में इस बजट के अंदर रैम मिलता है 6GB, इंटरनल स्टोरेज है 128GB, लेकिन इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं मिलता है। इसमें रैम टाइप दिया गया है LPDDR5 एंड स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। अब प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया गया है, जो दोस्तों क्वालकॉम के प्रोसेसर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है फंटा चॉइस 11.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का मिलता है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, 13MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 13MP का मिलता है डेप्थ सेंसर। और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30fps पर। एंड दोस्तों इसमें 32MP का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, जिससे आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी स्मार्टफोन में बैटरी मिलती है 4300mAh की एंड साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। सेंसर्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर मिल जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको डुअल नैनो सिम, 5G वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों स्मार्टफोन का 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 34,990 रुपये। इसके बाद दो नंबर पर है MI 11X एंड इंडिया में लॉन्च हुआ था 27 अप्रैल 2021 को। साथ में दोस्तों स्मार्टफोन में आपको अच्छे क्वालिटी के डिस्प्ले के साथ साथ पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। बात करें डिस्प्ले की तो इसमें 6.56 इंच का E4 AMOLED 5-inch डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जिसमें 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ HDR 10 प्लस एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। साथ में स्मार्टफोन में दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, 6GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 128GB, लेकिन इसमें एक्सटर्नल मेमोरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इसमें रैम टाइप है LPDDR5 एंड स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। और दोस्तों स्मार्टफोन में भी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया गया है, जो दोस्तों फ्लैगशिप 7nm टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे आपको काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। एंड स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है MIUI 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11। कैमरे में पीछे की तरफ एक अच्छा ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का दिया गया है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, इसके साथ 8MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5MP का मिलता है मैक्रो लेंस। और इसे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। इसके साथ साथ इसमें आपको 20MP का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी दिया गया है, जिससे आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 4520mAh की बैटरी मिलती है, इसके साथ इसमें 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड स्मार्टफोन के सेंसर्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाते हैं। एडिशनल फीचर्स में स्मार्टफोन में आपको IP53 की रेटिंग, डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी मिल जाता है, लेकिन स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको डुअल नैनो सिम, 5G वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ और भी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। एंड दोस्तों स्मार्टफोन का 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 29,999 रुपये एंड 8GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 31,999 रुपये। दोस्तों एक नंबर पर है न्यूली लॉन्च IQ7 और ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था फास्ट में 2021 को, जो दोस्तों इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है 35,000 रुपये के बजट के अंदर और ये मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है इस लिस्ट में। आपका कौन सा है आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें डिस्प्ले दिया गया है 6.62 इंच का फुल HD प्लस AMOLED 5-inch डिस्प्ले, साथ में इसमें 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ HDR 10 का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड स्मार्टफोन में इस बजट के अंदर दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, 8GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB और इसमें भी एक्सटर्नल मेमोरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फंटा चॉइस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, इसके साथ 13MP का मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का मिलता है मोनो कैमरा और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। साथ में स्मार्टफोन में आपको 16MP का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी मिलता है, जिससे आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको 4400mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें पावरफुल 66W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे यह स्मार्टफोन 22 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है। बाकी स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल नैनो सिम, 5G वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों स्मार्टफोन का 8GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 31,990 रुपये एंड 8GB प्लस 256GB वेरिएंट का प्राइस है 33,990 रुपये।
सो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी कर देना, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।